कोढ़ा प्रखंड के विनोदपुर पंचायत में एक चिंताजनक घटना घटी है, जिसमें मुखिया प्रतिनिधि हारून रशीद को कुछ ग्रामीणों द्वारा बंधक बना लिया गया। यह घटना तब हुई जब हारून रशीद मृतक के परिवार को अंतिम संस्कार के लिए मिट्टी देने के लिए पहुंचे थे। स्थानीय सूत्रों के अनुसार हारून रशीद की उपस्थिति से पहले से चली आ रही स्थानीय दुश्मनी के कारण कुछ ग्रामीणों ने उनका विरोध किया। ग्रामीणों ने मुखिया प्रतिनिधि को बंधक बना लिया और उनके साथ मारपीट की, जिससे स्थिति तनावपूर्ण हो गई। जैसे ही घटना की सूचना मिली, रौतारा पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई की। पुलिस की एक टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर स्थिति को संभाला और मुखिया प्रतिनिधि हारून रशीद को और उसके पुत्र सलमान को सुरक्षित तरीके से ग्रामीणों के चंगुल से बाहर निकाल लिया। पुलिस ने दोनों को सुरक्षित थाना ले जाकर उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की। रौतारा थाना प्रभारी सोनू कुमार ने घटना के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि जैसे ही हमें घटना की सूचना मिली, हम तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे और पुलिस ने ग्रामीणों की ओर से उत्पन्न किए गए तनावपूर्ण माहौल को नियंत्रित किया और मुखिया प्रतिनिधि को ग्रामीणों के कब्जे से सुरक्षित बाहर निकाला। उन्होंने बताया कि मामले की जाँच की जा रही है और दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। इस घटना के बाद से क्षेत्र में तनाव का माहौल बना हुआ है, लेकिन पुलिस की तत्परता से स्थिति अब नियंत्रित है। स्थानीय प्रशासन और पुलिस विभाग ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है और इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाने का आश्वासन दिया है। फिनो न्यूज के लिए कोढ़ा से सूरज कुमार सिंह की रिपोर्ट। विनोदपुर पंचायत में यहाँ पे काफी भीड़ लगा हुआ है। इधर से मिट्टी लेके जा रहा था, वहाँ गए, हमारा मिल था, मिल के बगल में हम बैठे हुए। इसके बाद ही मुखिया जो है वहाँ जाकर के मुसाबा के सलाम दिया, यही सलाम तो दिया, उसी का बदौलत जो थोड़ा सा खड़ा हुआ। हम बोले कि कुर्सी ला के देंगे, बैठिएगा। इसी में जो है वो लोग जो है 20-25 आदमी आकर के जो है इसको पकड़ लिए। कौन लोग? रब ठीक था, उसके बाद और सब था, वो लोग 20-25 आदमी है फास्ट पकड़ा है। लेकिन एक बात है कि अगर हम बोलवो करेंगे, वो भी धमकी दे रहा है कि जान से इसको भी मार देंगे, इन लोगों का लड़का वो मार देंगे, ये भी सब बोल रहा है। कौन धमकी दे रहा है? वही सब धमकी दे रहा है। और नाम क्या है? 50 आदमी था, वो बोलता है जान से मार देंगे, जाना बंद कर देंगे, ऐसा बोल रहा है। जो बोलता है कि जान से मार देंगे, उसका नाम क्या है? नाम जो है उन लोगों को नहीं बता सकेंगे, लेकिन खबर आ रहा है उधर से, कोई जाता है तो किसी का सामने तो बोलता है ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। अच्छा, क्या इसकी सूचना आपने थाना में दिया? हाँ, थाना में इसकी सूचना दी है। हम कैसे बताएंगे, कहे जब पुलिस आया, पुलिस लेके गया फौजी को, तो यहाँ से लेकर के चला गया। कौन लोग? बाप बेटा को कौन लेके गया? हीरो पकड़ के लेके चला गया वही फौजी। कौन थाना? क्या क्या नाम है उन लोगों को पकड़ के लेके? कौन थाना में लेके गया? रातड़ा थाना गया कि कौन थाना हम नहीं बता सकेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद नसीम। ग्रामीण है? जी ग्रामीण। यहाँ मामला जो है, हम लोग जो है मुखिया जी आया था, मुखिया जी का बेटा भी आया था, वहाँ से जब फोन किए थे बोला ठीक है हम भी जाएंगे मिट्टी देने के लिए। तो मिट्टी देने के लिए जब आया ना, तो यहाँ से मिट्टी दे के हम लोग जा रहे थे, तो तीन आदमी हम लोग जा रहे थे और पीछे पीछे आदमी था। उसके बाद जो है बगल में जो मिल है वहाँ, उसका बगल में रफीक का घर से इधर थोड़ा नसीर का मिल है, नसीर का मिल का आम का गाछ है, तो वहाँ जाकर के हम खड़ा हुए, जाकर रुका, इससे बात करने लगा नसीर से, बस बात करते मैंने 2-4 मिनट हुआ। उसी का बाद जो है आकर के उसको जबरदस्ती पकड़ के खींच के लेके। किसको जबरदस्ती खींचा? मुखिया को खींचा, उसका बेटा को भी पकड़ के खींच के ले गए। कौन मुखिया, क्या नाम है उनका? उसके नाम है मोहम्मद हारून रशीद। कौन सा पंचायत का मुखिया? विनोदपुर पंचायत का। और उसका बेटा को भी? हाँ, उसका बेटा का। कौन खींचा था? उसका बेटा का जो नाम है मोहम्मद सलमान। कौन लोग खींच के ले गया? रहीम था, रफीक था, रफीक का भाई था, इलाही था, मैंने ढेरी वो लोग जितना बहुत आदमी था। मोटा क्या कोई आपसे दुश्मनी था पहले से उनका? अब क्या पता दुश्मनी तो था नहीं था, लेकिन ऐसे ही जबरदस्ती जो है दुश्मनी, मैंने वही मर्डर जो हुआ था उसका बेटा, वो उसी टाइम का जो है दुश्मनी चल रहा है। अब क्या था नहीं था उसके बाद जो है उसी विषय के लिए। क्या उनके साथ मारपीट भी किया गया? हाँ, मार तो मारा है खूब, जितना आदमी आया था सब आदमी मारा है उसको, हमको ही पकड़ा था हमसे। आप कौन हुए? मोहम्मद वजीर। कौन हुए आप? हम गांव घर का आदमी है। आप मुखिया के साथ थे? हाँ, मुखिया के साथ में हम जा रहे थे नसीर का घर, मैंने दरवाजा में जाकर रुके, वहीं से जो है पकड़ के लेके गए। तो क्या लग रहा है कि मुखिया का हत्या करने का प्रयास? वो तो हत्या के, वो तो डायरेक्ट बोल दिया इसको ले जा करके जमा कर देंगे। कौन बोला ये बात? वही लोग बोला रफीक, सब जितना आदमी था। क्या नाम हुआ आपका?